नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें इस चीज़ का पता लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ कंपनी की जरूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको कंपनी प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब दी हुई है, जैसे कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू अभी स्मॉल कैप है, और अगर वैल्यू की बात करें तो 4,070 करोड़ का रहा हुआ है। कंपनी मुख्य रूप से पावर जनरेशन के सेक्टर में काम करती है, और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर कंपनी के इसके रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से एनर्जी के, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में काम किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम कुछ ज़रूरी रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव को देखें तो 21 मार्च 2022 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 41 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, यानी 5 से 6 साल पहले 41 रुपये ट्रेड करती थी। और अगर अभी के टाइम में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 41 रुपये से बढ़ के 66 रुपये तक हो गई है, और ये मैक्सिमम गई है भाई 41 रुपये से बढ़ के 74 तक। तो इससे ओवरऑल कहा जा सकता है भाई, कंपनी ने पिछले 5 सालों में 41 रुपये से 74 रुपये का जो सफ़र है वो तय किया है, यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 46% का रिटर्न दिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, पर लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो इसको अभी के लिए हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दिया है क्योंकि कंपनी ने लगभग अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर 2020 में देखें तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू तो अपडेट नहीं है, पर कंपनी की नेट इनकम माइनस में चल रही थी, -39 करोड़, ठीक है। अगर 2024 में देखें तो कंपनी के द्वारा 5,290 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा है, और नेट इनकम अभी भी माइनस में चल रही है। तो देखिए, कंपनी की लगातार नुकसान में देखी जा सकती है, यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट बना ही नहीं रही है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पर आखिर क्या कारण है कि भाई कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना रही है पर प्रॉफिट नहीं बना पा रही। हो सकता है कंपनी कोई बड़े एक्सपेंस रहे हो, या कंपनी पर कोई बड़ा डेब्ट भी रहा हुआ हो, पर इसका अभी हम आगे पता करने की कोशिश करेंगे। पर इसको हम अभी एक अच्छा संकेत नहीं दे सकते क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है। तो इसको हम एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रही है इसलिए। अब हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, अगर 2020 में देखें तो कंपनी के पास 15,412 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। अगर 2022 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 15,000 से घट के 11,802 करोड़ हो चुकी है, और 2023 में भी इसमें ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जिसका कारण है कि भाई, अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में भी गिरावट देखी जा सकती है, ठीक है। तो हमने इसको भी इसलिए एक माइनस पॉइंट रख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर यार कंपनी नेट इनकम ही नहीं बना पा रही है, प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो आखिर डिविडेंड कैसे दे पाएगी। तो यही कारण है कि भाई कंपनी ने अभी तक कोई भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, इसको अभी हम एक माइनस पॉइंट में रखेंगे। उसके बाद है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 59% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से 44% की जो होल्डिंग है वो कंपनी ने बैंक में रख दी है गिरवी, ठीक है। बदले में हो सकता है कंपनी ने कुछ पैसे उधार लिए हो। बाकी की जो 14% की होल्डिंग है वो कंपनी ने अपने पास रखी हुई है। तो दोस्तों, कंपनी ने अगर इस 59 में से 44% की होल्डिंग को बैंक में गिरवी रख दिया गया तो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसको हम एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उसमें उनके द्वारा 2.58% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए 5% रहे हुए हैं, एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 32%, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो लगभग एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसका कारण है कि भाई कंपनी में धीरे सही पर धीरे धीरे बड़े जो इन्वेस्टर है थोड़े बहुत निवेश करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो इसमें भाई हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और दोस्तों, ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेंगे हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।